पेगासस जासूसी कांड का मामला क्या है आखिर? क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय देश भर में इस पर चर्चा हो रही है, बवाल मचा हुआ है। आप लोग टीवी चैनलों पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए, विपक्ष किस तरह से हमलावर है। और आपने देखा है कि सदनों के जो सदन है वो भी नहीं चल पा रहे हैं, बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग इसकी आखिर कहानी क्या है? और आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन भी कर दिया है। आज हम लोग उस आयोग के बारे में भी कुछ पॉइंट देख लेंगे। देखिए इस टॉप ए टॉपिक आपका आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। और वैसे भी आप देखिए कि हमारे देश में इतना बड़ा मामला फंसा हुआ है या बवाल कट रहा है एक तरह से, तो आपको कम से कम इसके बारे में मालूम तो होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसे आप लोग एक तरह से नॉर्मल तरीके से समझिए। आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम भी इसमें आए हुए हैं। कम से कम आप देखेंगे 300 से ज़्यादा हस्तियों के फोन हैक होने की बात हो रही है। इसमें आपने नाम सुना होगा राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद सिंह पटेल ये भी मंत्री हैं, और पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार आपने सुना होगा ममता बनर्जी से भी जुड़े रहे हैं, प्रशांत कुमार किशोर। आप समझ रहे हैं? तो मामला तो कुछ है, और मुझे लगता है कि अगर आपको इस मामले की निष्कर्ष पर पहुंचना है तो मुझे लगता है कुछ बातों पर आपको ध्यान भी देना होगा और न्यूट्रल होकर आपको ध्यान देना होगा। एक तो आप लोगों को इन नेताओं के बारे में सोचना होगा, दूसरा आप लोगों को देखना होगा समय काल कि किस समय इनकी जासूसी हुई है। तो मुझे लगता है कि आप लोग निष्कर्ष पर जरूर पहुंच जाएंगे। और इस जासूसी से आखिर किस पार्टी का फायदा हुआ, किन नेताओं का फायदा हुआ, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। और आप देखिए कि जो काम एक तरह से आपकी केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो आपकी राज्य सरकारें कर रही हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर सरकार ने ये जासूसी नहीं करवाई है तो और चिंता का कारण बन जाता है। क्योंकि आप देखिए कि आपकी व्यक्तिगत जो जानकारी है अगर कोई और इसे देख रहा है, सुन रहा है, तो आप समझिए देश के लिए खतरा है। लेकिन आपने देखा है कि सरकार ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी हुई है। सरकार ने ना तो ये बताया है कि इस कंपनी से कोई कॉन्टेक्ट हुआ है उसका, नहीं हुआ है। तो खैर छोड़िए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछ लेता है, कई बार आ जाते हैं। तो इसराइल की एक सर्विलांस कंपनी है NSO ग्रुप, इसने पेगासस का सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। समझ रहे हैं? इसमें आप देखेंगे कई बड़े पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, नेता हों, मंत्री हैं, सरकारी अधिकारियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। ये सही है या गलत है इसके बारे में तभी कहा जा सकता है जब इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और मालूम चल सके कि आखिर किसने करवाया। लेकिन आप लोग, अगर मैं बता रहा हूं कि आप लोग न्यूट्रल होकर देखेंगे तो कुछ तो आपके पास निष्कर्ष जरूर निकलेगा। इन व्यक्तियों के सभी आप लोग लिस्ट में देखेंगे नाम और फिर आप लोग सोचना शुरू करेंगे तो जरूर आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि आप लोग इतने ना समझ नहीं है, आप सभी कुछ जानते भी हैं। यह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना उपकरण तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करता इसे वापस ले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। खैर छोड़िए, इसे हम तो कहते हैं, आपको एक नॉर्मल जानकारी देते हैं, बिल्कुल साधारण शब्दों में बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपका ये फोन है या फिर आपका लैपटॉप है, ठीक है, या आपका कंप्यूटर है, जो भी है। मान लीजिए कि आपका कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए और आपके फोन में वो एंटर हो जाता है, फिर आप किससे बात कर रहे हैं, किससे SMS कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, कौन से वीडियो आपके फोन में आ रहे हैं, कौन भेज रहा है,
किससे आप लोग जीमेल कर रहे हैं, ये सभी जानकारी लेकर वो वापस चला जाता है और जिसे इस जानकारी की ज़रूरत होती है उस तक पहुंच जाती है। ये है पूरा मामला। अब मान लीजिए प्रशांत किशोर को ले लीजिए आप लोग, एक चुनावी रणनीतिकार हैं, किस चुनाव को क्या किस तरह से जीता जाए ये जानकारी लेता है उनके फोन से कोई सॉफ्टवेयर और किसी पार्टी के पास भेज देता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे, और अभी भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं। आप में से कई लोगों ने पूछा है कि ये डेटा होता क्या, डेटा तो आप समझिए कि मान लीजिए कि आपका एटीएम कार्ड है, समझ रहे हैं, डेटा का मतलब यही होता है कि आपके एटीएम कार्ड का नंबर चला जाता है और जो गुप्त पिन नंबर होता है वह चला जाता है, तो आप देखेंगे आर्थिक नुकसान भी आपको हो सकता है, या फिर आप देखिए कि ऐसे में आपको व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है कि आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, किसी से पर्सनल कोई बात कर रहे हैं और वो तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है जो उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, तो आप देखते हैं कि इस तरह के कई आपको बहुत बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। तो इस मामले में यही कहानी गढ़ी जा रही है, समझ में आया आपको। और आप देखेंगे इससे अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो पेगासस को इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है और 2010 में इसे स्थापित किया गया था, सन 2010 में इसे बनाया गया था। तो याद रखिए इस पॉइंट को भी, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले। और मैं कहता हूँ इस तरह के टॉपिक से अगर क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तब भी आपको मालूम होना चाहिए कम से कम। पेगासस सॉफ्टवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट कब आई थी इसकी सामने, 2016 में, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उसके आईफोन 7 पर एक SMS लिंक के साथ निशाना बनाया गया था। इसे स्पीयर फिशिंग कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आप लोग एप्पल का फ़ोन चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपना मोबाइल सुरक्षित है, तो आपकी गलत फहमी है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। आपने देखा होगा एप्पल का फ़ोन काफ़ी गारंटी भी देता रहता है आपके डेटा की कि कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस मामले में आपने देखा है कि एप्पल का फ़ोन भी नहीं बच पाया है। हालांकि आप देखेंगे कि NSO की आक्रमण क्षमता और अधिक उन्नत हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप लोग देखते हैं ना कि आपके पास कोई ताला आता है तो उसकी चाबी चोर के पास आ जाती है, तो वही हाल इसका भी है। और आप देखेंगे गोपनीय कंप्यूटर में चला जाता है, मोबाइल में, या फिर आपकी जो गोपनीय जानकारी होती है, व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसे नुकसान पहुँचाता है और किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। और पेगासस के स्पाईवेयर को आप देखेंगे क्यू सूट और ट्राइडेंट जैसे दूसरे नामों से भी आप लोग जानते हैं। और याद रखिए स्पाईवेयर एप्पल के iOS में भी घुसपैठ कर सकता है, तो आप कितना भी महंगा फ़ोन खरीद लीजिए आप चिंता का कारण बन जाएगा। और यही वजह है कि इसे उपलब्ध सबसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स में से एक के रूप में जाना जाता है। और पेगासस का उपयोग सरकारों द्वारा पीटी लाइसेंस के आधार पर किया जाता था। हालांकि मई 2019 में कंपनी ने राज्य की खुफिया एजेंसियों और अन्य को स्पाईवेयर की बिक्री सीमित कर दी है। और आप देखेंगे कई जगह इस कंपनी पर केस भी हुए हैं, और केस होने के बाद कंपनी ने अपनी सफाई भी दी हुई है। सफाई में इसने क्या कहा है, इसने अपनी वेबसाइट पर कहा था, डाला था या कि वह ये सॉफ्टवेयर किससे कॉन्टैक्ट करता है, इसके बारे में सरकारी एजेंसियों की मदद करने, आतंकवाद अपराध को रोकने और उसकी जांच करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। यानी कि वो तो अच्छे के लिए बनाता है कि आप देखिए कि पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं को रोका जा सके, या और भी कहीं अशांति फैलने की शंका हो, आशा हो, तो उसे रोका जा सके, इसके लिए सरकार से वो कांटेक्ट करती है। लेकिन आप देखेंगे कई सरकारें इसका अपने फायदे के लिए उपयोग करने लगती हैं, विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाने लगती हैं, तब ये चिंता का कारण बनता है। ठीक है,
और कंपनी यह भी कहती है कि उसके पास संवादात्मक दायित्व है और जिसके लिए उसके ग्राहकों को उसको अपने उत्पादों के उपयोग को गंभीर अपराधों की रोकथाम और जांच तक सीमित करने की आवश्यकता है, यानी कि इसका दुरुपयोग नहीं करते हैं कौन? उसके जो एक तरह से ग्राहक होते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उनका उपयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जाएगा। उसने सीधा सा इस कंपनी ने एनएस ग्रुप ने ये कहा है कि गलत जो काम होते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, या फिर आप देखिए कि शांति बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग किसी की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठी करने के लिए नहीं, किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आप में से कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि इसकी कीमत क्या है, तो आप समझिए कि बहुत महंगा भी है, समझ रहे हैं? तो कोई एक व्यक्ति इसे खरीद ले ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि आप सोचिए कि इतनी बड़ी कीमत चुका के कोई व्यक्ति क्या करेगा, या तो उसे अच्छा फायदा होना चाहिए। तो पेगासस जैसे स्पाईवेयर को इस्तेमाल करने की लागत बहुत अधिक है। इसे 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया था कि पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए एनएसओ सरकारी एजेंसियों से कितना, 5 लाख, 5 लाख डॉलर लेती है। 5 लाख डॉलर का आप लोग समझ रहे हैं, मतलब आप देखेंगे करीब 3.7 करोड़ रुपए का शुल्क लेता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है तो इसकी कीमत आपको 3.7 करोड़ चुकानी होगी रुपए, 3.7 करोड़ रुपए देना होगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 10 आईफोन उपयोगकर्ताओं की जासूसी करने के लिए, आप देखेंगे इसमें आपका दिया गया है 6,50,000 डॉलर, और 10 एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए आप देखेंगे 6,50,000 डॉलर, और 5 ब्लैकबेरी उपयोगकर्ताओं के लिए ये आप देखेंगे 5 लाख डॉलर, और 5 सिम्बिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए 3 लाख डॉलर का शुल्क लिया जाता है, तो एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है, समझ रहे हैं आप लोग? और सरकारें अपने उपयोग के लिए इस तरह की राशि चुका भी सकती हैं। अब मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप थे, जो बाइडेन साहब थे, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को फायदा होता तो वो कितनी भी कीमत चुका देते, समझ रहे हैं? तो राजनीतिक पार्टियां इसका उपयोग कर सकती हैं, और उन पर शक करना बनता भी है। अब बात कर लेते हैं इस आयोग के बारे में, क्योंकि आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में आजकल ममता बनर्जी काफी सक्रिय हैं और मोदी सरकार को आप देखिए हर तरफ से चुनौती भी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का अपनी ओर से जांच आयोग गठित करना एक मामले को नया मोड़ दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि आप देखिए कि एक मतलब नकारात्मक छवि तो जाती है इस केंद्र सरकार की, कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए वो राज्य सरकारें कर रही हैं। 2 सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर होंगे, इस नाम को याद रखिए, पूछा जा सकता है। दूसरे सदस्य होंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिमर भट्टाचार्य, और ममता ने इतने बड़े नाम चुनकर इस बात की गुंजाइश को भी खत्म कर दिया कि आयोग की मंशा पर कोई संदेह किया जा सके। आप देखिए कि कोई, आप देखते हैं इस तरह की जांच होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ही नामित किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप समझ रहे हैं, देश में सबसे ऊपर ही है। तो इसके आपके जो पूर्व न्यायाधीश हैं मदन बी लोकुर, और आपके जो दूसरे सदस्य हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, इन्हें इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और देश का जांच आयोग कानून 1952 में बना था, कब? 1952 में। ममता सरकार ने अपने जांच आयोग का गठन इसी कानून जांच आयोग अधिनियम 1952
संख्यांक 60 के तहत किया है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो पश्चिम बंगाल ने पेगासस जासूसी कांड के लिए, एक तरह से जासूसी के लिए आयोग का गठन किया था, किस अधिनियम के तहत किया था? तो याद रखिए, जो जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत आयोग के गठन की अधिसूचना में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया कि जांच आयोग की अधिकतम अधिनियम की धारा 5 के तहत सारी शक्तियां प्राप्त होंगे। और धारा 5 की उपधारा 2 कहती है कि आयोग जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के लिए किसी व्यक्ति को समन कर सकता है, यानी कि उसे बुला भी सकता है पूछताछ के लिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, आयोग जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के लिए किसी व्यक्ति को हाजिर करा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और किसी कार्यालय से किसी लोक अभियुक्त या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा। और इसके साथ ही आयोग संबंधित जांच एजेंसियों से ऐसे किसी मामले की जांच करने की सिफारिश भी कर सकता है। तो आप देखिए कि एक तरह से मोदी सरकार के लिए एक चुनौती होगी। क्यों चुनौती होगी? क्योंकि आप देखिए कि अगर केंद्र सरकार के किसी सेंट्रल के किसी अधिकारी को अगर समन जारी किया जाता है और वो उपस्थित नहीं होता है, तो आप समझिए कि यहाँ भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और सरकार पर धब्बा एक तरह से लगना लगेगा, उंगलियाँ उठने लगेंगी। तो एक तरह से आप देख रहे होंगे कि ऐसा भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी हलचल भी मची हुई है और विपक्ष एकता भी दिखा रहा है इसमें। सबसे पहले उसका प्राथमिकता यही कि पेगासस जासूसी पर बात हो पहले लोकसभा और राज्यसभा में। खैर छोड़िए, यही मामला है पूरा आपका। और इसके बारे में जो भी पॉइंट है ना, याद रखिएगा, हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में पूछ ले आपसे, अगर पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। और सरकारें हैं सरकारें, आप खुद सुरक्षित रहिए, क्योंकि सरकारों से उम्मीद कम ही रखना है आपको, ठीक है। तो यही कहानी है जासूसी, पेगासस जासूसी कांड की। देखते रहिए आप लोग।